छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने द बस्तर मड़ई कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है। इस थीम के तहत देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बस्तर में 3 दिन बिताए और बस्तर की आदिवासी संस्कृति को बेहद करीब से देखा। इसके तहत ही जगदलपुर के आसना स्थित बादल अकादमी में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तैयार की गई द बस्तर मड़ई का लोगो, बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का हाल ही में विमोचन किया गया है, जिसको लेकर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्यता से पर्यटकों को अवगत कराने के लिए द बस्तर मड़ई का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। बस्तर का अनुभव काफी अच्छा था, ये मेरा दूसरी बार था बस्तर में। इससे पहले मैं यहाँ के कई ट्रैवल के लोगों से मिला था 1-1.5 साल पहले, और उन्होंने कहा था कि महाराज जी आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको रोड ट्रिप्स पसंद है, आप हैदराबाद में रहते हो तो आप बस्तर क्यों नहीं आते हो। मेरे को एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जो लोकल ट्राइबल कल्चर के जो इवेंट्स होते हैं या जो प्रोसेशन होते हैं, मैं उसका पार्ट बना। मैं पहले तो रोड से बस देख रहा था कि मैं इसका पार्ट बन सकता हूँ कि नहीं, जाने देंगे कि नहीं, पर जैसे ही मैं नज़दीक गया लोगों ने मुझे खुले हाथों से बुलाया कि अरे आइए आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, मुझे समझाया कि चीज़ें क्या हैं, क्यों हो रही हैं। और मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी होती है कि यू नो कैसे प्रथाएं कई सालों से चली आ रही है और कैसे अभी भी वो प्रथाएं फॉलो की जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। द बस्तर मंडई बेसिकली पूरे बस्तर के प्रत्येक चीज़ को एक सेलिब्रेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आने वाले समय में दशहरा को बढ़ावा देने के लिए, आने वाले सैलानियों को दिखाने के लिए कि बस्तर है क्या, उसके आधार पर हम लोगों ने बस्तर मंडई शुरू किया है। आज लगभग 3 दिन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पूरे भारत के देश के कोने कोने से यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ के चीज़ों के बारे में, अलग अलग सर्किट्स जो तैयार किया गया उसके बारे में जानने के लिए घूमे हैं, एंड उनके द्वारा जो अभी तक रिस्पॉन्स जो मिला है, सबका यही कहना है कि 3 दिन बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि बस्तर में देखने के लिए कितने सारे चीज़ें हैं और अनुभव करने के लिए कितने सारे चीज़ें हैं।